आसरा नगर कब्रिस्तान का जो मामला है, 2001 में किन्हें कब्रिस्तान की जगह मिली, 2008 के अंदर गट नंबर 171, 72, 73 का कोर्ट कमिश्नर के मार्फत किन मेजरमेंट हुआ और उसको कुछ लोगों ने चैलेंज करे, 2009 के अंदर गवई साहब ने किन उसको उनकी पिटिशन को डिसमिस करा और मेजरमेंट को सही बताया, उसके बाद में कि ने दो जो सूट थे वो भी कब्रिस्तान के हक़ में हुए, अपील भी कब्रिस्तान के हक़ में हुए। इतना बड़ा नक्शा नकाशा रहने के बाद भी नगर पालिका का एक भी ऑफिसर कमिश्नर से लेके लोअर कोर्ट तक कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये वायलेशन ऑफ द हाईकोर्ट का ऑर्डर का है और कंटेम्प पिटिशन हम इसके अंदर कि हाईकोर्ट में लगाने वाले, कमिश्नर से लेके लोअर कोर्ट तक। मैं कमिश्नर के बारे में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि पेंस लेने को तैयार नहीं है भाई। आपके पास लोअर कोर्ट का जजमेंट आप पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आप पार्टी है, हाई कोर्ट का रिट पिटिशन के अंदर जजमेंट आप पार्टी है। आप एक ने नल वालों के खिलाफ व्यापार फाड़ रहे, गाड़े वालों के खिलाफ व्यापार फाड़ रहे, और जो कौम को मुसलमानों को जो जगह कलेक्टर ने दी वाली मुसलमानों के साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं, तो मुसलमान कौम जाएंगे कहाँ पर यहाँ पर? अगर आप इस तरह से खाली हमारा जो मेमोरम लेंगे अगर कचरे में फेंकेंगे तो हम आपके क्योंकि नहीं कि कोर्ट को पास जाके आपका जो रवैया है मुस्लिम समाज के साथ में और हाईकोर्ट के किन ऑर्डर के साथ में वो हम कोर्ट को बोलेंगे और आपके ऊपर निश्चित कार्रवाई करेंगे। कोई भी ऑफिसर किन इस मैटर में छूटने वाला नहीं, लोअर कोर्ट से लेकर के अपर किन कोर्ट तक ऑफिसर तक इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमारे कौम के तरफ से ये हो रही कि हमारे शांत मन का यानी हमारे शांत का किन आप किन कॉग्निस लीजिए, मुस्लिम समाज आपको कॉपरेट कर रहा ये समझ लो कि मुस्लिम समाज के किन खामोश बैठे वाला नहीं है, मुसलमानों के अंदर किन आपके खिलाफ़ में किन धकधक घुरी वाली है। आपके ऑफिसर शिवाजीनगर में, भाग्यनगर में, विमानतड़ में किन खोटे गुनेगार दाखिल करने के लिए कंप्लेन दे रहे, प्रेशर डाल रहे हमारे साथ वालों को और ये बोल रहे कि परत गया तुमसे, आपका अप्लीकेशन वापस ले लो तो हम गुनाह दाखिल करेंगे। तो इसके ऊपर भी हमने कलेक्टर साहब से डिटेल जी बातचीत करे और उनसे ये कहा कि ये सब कुछ रोकना चाहिए, ये आपके कलेक्टर के ऑर्डर से ही मुसलमानों को कब्रिस्तान मिली। अगर आप हमको मदद नहीं करें तो हम जाने वाले कहाँ पर फिर? अगर मशीनरी खुद एक इंक्रोचमेंट करने वाले को मदद करेंगी तो इससे बुरा तो महाराष्ट्र के अंदर कोई एपिसोड हो ही नहीं सकता जो नांदेड़ के अंदर एपिसोड हो रहा। और पूरी कॉरपोरेशन जो रिजेक्ट करे वाली घर वाला है उसको लेके चल रही। अरे मेजरमेंट 2009 के अंदर हाईकोर्ट के ऊपर होने के बाद भी लीगल सेक्शन वाले मालमत्ता और अपन मेजरमेंट करेंगे। अरे भाई तुम्हारा जजमेंट रहने के बाद तुमको रिव्यू करने का अधिकार है क्या? अगर आपको रिव्यू करने का है, मेजरमेंट करने का, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा आपको। ये जब तक एक आप देखेंगे लीगल इसमें क्या क्या होने वाला है, कोई कॉग्नाइज देखने को तैयार। मेमोरेंडम दिए कि एक मिनट में देख रहे हैं, हाँ बरोबर है, हम भेज देते। आपको हमारा मेमोरेंडम संजीदगी से देखना पड़ेगा, लीगल सेक्शन में भेजना पड़ेगा, ओपिनियन लेना पड़ेगा और कार्रवाई करना पड़ेगा। ऐसा हाथ से हाथ जाके हम किन बैठने वाले नहीं है। अब हमारा अंत होगा, हमारे शांत का अंत होने वाला है। हम आप सीधा हम हाईकोर्ट में इसके बाद जाने वाले, इतना हमारा करने वाले। थैंक यू।